टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता ही चल चुका होगा कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाला है। तो ये वीडियो होने वाला 2023-24 में आने वाली अपकमिंग बहुत ही अवेटेड मूवी के लिस्ट के बारे में। तो पहले नंबर पर आती है कल्कि 2898 AD के बारे में, जिसके ग्लिम्स रिलीज हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। उसका बजट 600 करोड़ है, इसे भी देखने के लिए बहुत जनता अवेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा देखना चाहती है, इसके लिए पागल हो रही है। और सिर्फ एक विनंती है कि ये इसका हाल जो VFX के मामले में आदि पुरुष जैसा ना हो। इसकी रिलीज डेट तो पहले कन्फर्म थी, लेकिन कुछ रीजन्स की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है, अभी पता नहीं वो कब रिलीज हो सकती है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट मूवी की तरफ, यानी कि सेकेंड मूवी, वो है हनुमान या हनुमैन, ऐसा ही दोनों में से एक हो सकता है, जिसके डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा। और ये प्रशांत वर्मा यूनिवर्स की पहली मूवी होने वाली है, उसके बाद आने वाली अधीरा मूवी। और ये पहली यूनिवर्स है जिसे डायरेक्टर के नाम से जाना जाएगा, प्रशांत वर्मा यूनिवर्स। तो देखते हैं, ये मूवी भी जनवरी में रिलीज होने वाली है, इसका ट्रेलर रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, जाकर देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं फाइटर। फाइटर लाने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा यार, क्रिश 4 लाओ ना पहले। ऋतिक रोशन सर, आप क्या कर रहे हो, सारी मूवी ला रहे हो, लेकिन मुझे जो पसंद है वो ला ही नहीं रहे हो आप। टाइगर 4 लाओ यार इसके बाद तुरंत। तो बात किया जाए फाइटर मूवी की, तो फाइटर मूवी का बजट 250 करोड़ है, ये भी जनवरी के महीने में रिलीज हो जाएगी। उसके बाद बात किया जाए तो ये है साउथ की तरफ से आने वाली थंगलन मूवी, ये भी बहुत ही अवेटेड मूवी है, बहुत ही अच्छी है, और इसका विजुअल और इसकी स्टोरी राइटिंग बहुत ही कमाल की होने वाली है। उसके बाद है बरोस, यानी कि 4th नंबर पर, ये मूवी कुछ ऐसा होने वाला है जिसे खजाने की रक्षा करने के लिए रखा जाता है, और कोई आता मतलब वो खजाना सिर्फ और सिर्फ जिसका खजाना है उसका वंशजी ले सकता है, और वो आने तक इस कैरेक्टर को उसकी रक्षा करनी है। और ये कैरेक्टर निभाने वाले हैं मोहनलाल जी, ये भी मूवी बहुत जल्द आने वाली है। उसके बाद आती है दशहरा मूवी तो रिलीज हो चुकी है, ये है देवरा मूवी, जिसमें विलन के तौर पर है सैफ अली खान, जो कि आदि पुरुष में भी थे, और इसमें लीड एक्टर जो है जूनियर NTR है। और इस मूवी का दशहरा पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 इसका 2-3 साल में आ ही जाएगा। ये इस मूवी का ग्लिम्स बहुत जल्द आने वाली, उसकी अपडेट मैंने दे दी है, वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और उसका बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है। उसके बाद आती है छोटी मियाँ बड़ी मियाँ, जिसमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और सालार के पृथ्वीराज सुकुमार होने वाले हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन जो है वो विलन होने वाले, और इसके स्टोरी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। और टाइगर श्रॉफ इस मूवी में, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, गुलाटी मारो यार। तो उसके बाद आती है सूर्या की मूवी, रोलेक्स की मूवी, 7वें नंबर पर उनकी मूवी है, जिसका बजट 350 करोड़ है, और उस मूवी का नाम है कंगुआ। इसका ग्लिम्स जब आया था, ग्लिम्स या टीजर जो कुछ भी कह लो यार, बवाल चीज थी, क्या VFX था। 2023 में बहुत सारी मूवी आ रही है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अवेटेड जो हूँ ये और कल्कि, ये दोनों मूवी के लिए। और उसके बाद पुष्पा तो है ही है, उसके बाद आगे करेंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर आती है सिंघम अगेन, ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसमें बहुत सारे एक्टर है, जैसे कि अजय देवगन, उसके बाद रणवीर सिंह, और भी बहुत सारे, दिमाग खराब कर दिया मैंने, इतने एक्टर है, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, और बहुत सारे इनकी लिस्ट, अगर वीडियो बनाओ तो वो ही अलग एक वीडियो बन जाएगा, वो बात एक खैर छोड़ देते हैं, मूवी के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मूवी पुष्पा द रूल, ये मूवी का बजट 500 करोड़ है, ये पुष्पा पार्ट 1 यानी पार्ट 1 की सीक्वल होने वाली है, पार्ट 2, ये भी 15 अगस्त को रिलीज हो रही है थिएटर में, इसका बहुत ही इंतज़ार कर रहा है लोगों ने। और ये मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करने की पॉसिबिलिटी रखती है। उसके बाद 10th नंबर बात ये स्त्री पार्ट 1 जो है रिलीज हो गया था 2-3 साल पहले, इसमें बहुत सारे फनी थे, मतलब फनी हॉरर कॉमेडी मूवी थी ये। इसके बाद स्त्री 2 जो है, देखते हम कब आती है, मतलब
इसी साल आने वाली, इसका रिलीज डेट कभी पता नहीं चला है, ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। जैसे इसका कुछ आउटपुट आता है हम ज़रूर बताएंगे। उसके बाद आती है थ्री भूल भुलैया टू। पिछली बार दिवाली में रिलीज हो गई थी, लेकिन इस बार भूल भुलैया थ्री एक ही साल में आ रही है। ये दिवाली के मौके पर आ रही है भूल भुलैया थ्री, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें कार्तिक आर्यन के साथ साथ अक्षय कुमार का भी छोटा मोटा केमियो होगा। और अक्षय कुमार की बात हो रही है तो 12वें नंबर पर आती है उनकी मूवी वेलकम टू द जंगल। और इसमें जो इसका अनाउंसमेंट वीडियो डाला था, इतना क्रिंज लगा था मुझे, कुछ भी इसे बकवास डाल दिया था, कुछ भी सेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक सॉन्ग था। फिर भी स्टार कास्ट को देखे जाए तो लगता है कुछ ना कुछ अच्छे करेंगे, लेकिन इसके डायरेक्टर जो है उन्होंने बनाए बागी 3, बागी 2 और हीरोबंती 2। तो उसी की वजह से मुझे डर भी लग रहा है कि इतने सारे स्टार कास्ट और ऐसा डायरेक्टर कुछ टट्टी ना कर दे। उसके बाद आते हैं 13 नंबर पर तेरे इश्क में। रांझना मूवी आपने देखी होंगी, बहुत ही अच्छी थी और वर्ल्ड फेमस हो गई थी। उसका ये पार्ट 2 होने वाला है रांझना मूवी। उसके बाद आती है कांतारा, आपने देखी होंगी कांतारा द लेजेंड। उसकी जो स्टोरी है उसका ही, उस स्टोरी के पिछला वाला भाग जो है, मतलब पार्ट उसी, वही स्टोरी होने वाला है। और उसका नाम कांतारा पार्ट 1 होने वाला है, और कांतारा पार्ट 2 मतलब कांतारा लेजेंड वो तो रिलीज हो चुके हैं, मतलब ये प्रीक्वल मूवी होने वाली है। इसका बजट 125 करोड़ बताया जा रहा है, और ये मूवी 2024 के एंड तक आ ही जाएगी। उसके बाद आती है अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3। इसमें भी बहुत सारे एक्टर होने वाले हैं। हेरा फेरी और हेरा फेरी 2 के बाद हेरा फेरी 3 आने वाली है। 18 से 20 साल हो गए इस मूवी को, उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। बहुत ही कॉमेडी मूवी थी हेरा फेरी 1 और 2, 3 क्या कर पाती है वो देखते हैं। और इसके बाद आते हैं हमारे साउथ की तरफ से गेम चेंजर मूवी, जिसमें हमें RRR फेमस, मतलब RRR मूवी में आने वाले रामचरण की मूवी देखने वाले, जिसमें उनके साथ होने वाली है कियारा आडवाणी। ये मूवी अप्रैल या मई में आने वाली है, इसका भी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने महीना दिया है। उसके बाद आती है श्रद्धा कपूर की नागिन के ऊपर मूवी, उसका टाइटल लिटल कुछ भी अनाउंसमेंट हो चुका, मतलब हुआ नहीं है। और उसके बाद आती है टाइगर श्रॉफ की और एक घिसीपिटी मूवी, जो कि फिर एक बार टाइगर श्रॉफ रीमेक बनाने जा रहे हैं हॉलीवुड की रैम्बो मूवी की। उसमें भी एक्शन होने वाला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं टाइगर श्रॉफ ये मूवी मत करो क्योंकि ये फ्लॉप होने वाली। उसके बाद आती है बैडएस रवि कुमार। इस मूवी के लिए तो मैं पुष्पा 2 कल की मूवी से भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे आएगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, ऐसी मास्टरपीस मूवी सालों में एक बार देखने के लिए मिलती है। खून खराबे से मैं भी नहीं डरता। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिल्मी उराज यूट्यूब चैनल। बाय बाय।